नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। कोविड-19 के माहौल में राज्य कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने जारी की अच्छी खबर। कोविड-19 के इस माहौल में अर्थव्यवस्था की गाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी हो गई है। जहां एक तरफ प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां जा रही है, तो वहीं सरकारी नौकरियों में वेतन में कटौती देखने को मिल रही है। लेकिन बिहार में राज्य कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने अच्छी खबर जारी की है। बिहार सरकार ने अपने कर्मियों के वेतन और पेंशन में कटौती नहीं करने का भरोसा दिलाया है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में मंत्री सुशील कुमार मोदी ने इस बात की जानकारी दी है और कहा है कि कोविड-19 के बावजूद बिहार में किसी भी राज्यकर्मी के वेतन और पेंशन में कटौती नहीं की जाएगी। विकास के कार्य और आपदा राहत को लेकर भी राशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। भारत में बीते 24 घंटे में 52,000 से ज्यादा मामले आए सामने। देश में कोविड-19 संक्रमण की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। जानकारी के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे मंगलवार सुबह तक 52,050 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं 803 मरीजों की जान चली गई है। इसके साथ ही देश में कोविड-19 के मामले 18.55 लाख के पार पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार भारत में अब तक कुल मिलाकर 18,55,745 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। कोविड-19 से अब तक 38,938 लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं इससे अब तक 12,30,509 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी दर अब 66.30 पर पहुंच गई है। वहीं संक्रमित राज्यों की बात करें तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र की हालत खराब है। महाराष्ट्र में अब तक 4,50,196 मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसमें से 2,87,030 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 15,842 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में 8,968 मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 266 लोगों की जान जा चुकी है। 20 से कम श्रमिक वाले बिजली चालित फैक्ट्रियों को मिली राहत। बिहार में नए कारखाने की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए श्रम एवं कारखाना कानून में कई छूट मिले हैं। मिली जानकारी के अनुसार कारखाने से जुड़े 3 विधेयक में संशोधन के बाद अब कारखाना संचालक को नई सुविधा मिलने जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अब कम मजदूर वाले बिजली चालित कारखाने के लिए अब लाइसेंस रिन्यूअल की जरूरत नहीं होगी। पहले 10 श्रमिक से ज्यादा वालों को रिन्यूअल कराना जरूरी था। बिना बिजली से चलने वाले कारखाने में 40 से अधिक मजदूर होने पर ही रिन्यूअल की जरूरत होगी। बीते दिन विधानमंडल ने कारखाने विधेयक को मंजूरी दे दी है। इतना ही नहीं, विनियम उत्पादन बिहार संशोधन विधेयक 2020 को भी मंजूरी मिल गई है। इसके अनुसार 50 से कम श्रमिक वाले ठेकेदार को निबंधन की जरूरत नहीं होगी। 20 से ज्यादा श्रमिक वाले ठेकेदार को निबंधन कराना अनिवार्य होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे समय के बाद चिराग पासवान से की बात। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान के बगावती रवैये को देखते हुए विपक्षी दलों ने भी इस रवैये का फायदा उठाना शुरू कर दिया था। वहीं अब जाकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से फोन पर बातचीत की है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह 8:45 पर सीएम नीतीश कुमार ने 10 मिनट पर चिराग पासवान से फोन पर बात की है। चिराग ने सुशांत सिंह राजपूत मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीबीआई जांच की मांग की है। ज्ञात हो कई दिनों से राजनीतिक गलियारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में अनबन की खबरें सामने आ रही थी। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चिराग पासवान से बातचीत करना एनडीए गठबंधन के लिए अच्छे संकेत दे रहा है। वहीं चिराग पासवान ने भी इस बात को लेकर नाराजगी जताई थी कि लंबे अरसे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लंबे समय से उनसे बातचीत नहीं की है। मुंबई पुलिस की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मनु महाराज पहुंच सकते हैं मुंबई। लगातार बिहार पुलिस के रास्ते में अटकलें पैदा करने वाले मुंबई पुलिस को सबक सिखाने के लिए जल्द ही मुंगेर डीआईजी मनु महाराज, एटीएस डीआईजी विकास वैभव और एटीएफ डीआईजी विनय कुमार मुंबई पहुंच सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये सभी अधिकारी विमान के रास्ते नहीं बल्कि सड़क मार्ग के साथ सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुंबई जाएंगे। वहीं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी लगातार मुंबई पुलिस की हरकतों को लेकर नाराज नजर आ रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में रिया चक्रवर्ती साफ तौर पर शक के घेरे में आ रही है। हमारी पुलिस जांच कर ये सबूत मिलते ही रिया को हवालात के पीछे कर दिया जाएगा। कोरोना के साथ बिहार में बाढ़ ने लोगों की बढ़ाई परेशानी। जहां एक तरफ बिहार में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ ने परेशानी बढ़ा रखी है। बाढ़ की वजह से बिहार के कई जिले प्रभावित नजर आ रहे हैं, जिससे ग्रामीणों की परेशानी बढ़ गई है। कोविड-19 के बाद बाढ़ में लाखों लोग प्रभावित नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के अनुसार 14 जिलों में बाढ़ ने आम नागरिकों की परेशानी बढ़ा रखी है, जिसके कारण इन जिलों में 56 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित पाए गए हैं। इनमें से 4,18,490 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। 17,554 लोग शिविरों में शरण लेकर फिलहाल रह रहे हैं। बाढ़ प्रभावितों के लिए 1,358 सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की जा चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित दरभंगा जिला है। दरभंगा जिले में कुल 18,61,960 लोग प्रभावित हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, खगड़िया, सारण, समस्तीपुर, सिवान और मधुबनी में बाकी लोग भी काफी ज्यादा बाढ़ से प्रभावित है। इन जिलों में बचाव और राहत कार्यों के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 31 टीमों को तैनात किया गया है। बिहार के इस समूचे गांव में कोविड-19 की बढ़ी संभावना। कोविड-19 के इस माहौल
दौर में कुछ लोग लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे, जिसका खामियाजा उन्हें संक्रमण कर दे रहा है। हाल ही में बिहार के पश्चिमी चंपारण में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां मझौलिया थाना के परसा में एक श्राद्ध में जुटे लोगों में अब कोविड-19 संक्रमण की आशंका जताई गई है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि परसा में रहने वाले राजकिशोर सिंह ने कुछ समय पहले दुनिया को अलविदा कह दिया था। परिजनों ने अंतिम विदाई देने का कार्यक्रम आयोजित करवाया था और कोविड-19 से जुड़े गाइडलाइन को साफ तौर पर नजरअंदाज किया गया था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों को शामिल किया गया था। शामिल होने वाले लोगों में कोविड-19 के लक्षण दिखने पर मझौलिया PHC पहुंचकर 3 लोगों ने अपनी जांच कराई, जिसमें से 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। उसके बाद गांव के 6 लोग मझौलिया PHC जांच कराने पहुंचे हैं, जिनमें सभी संक्रमित पाए गए थे, जिसके बाद पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। कोविड-19 वार्ड में 1.5 घंटे पर नर्सिंग स्टाफ और 3 घंटे पर डॉक्टर होगी विजिट। बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोविड-19 वार्ड में हर 3 घंटे पर डॉक्टर और 1.5 घंटे पर नर्सिंग स्टाफ को विजिट करने का फैसला सुनाया गया है, जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने सभी मेडिकल कॉलेज के वरीय नोडल पदाधिकारियों को डॉक्टर को कोविड-19 वार्ड को वार्ड वॉर और बेड वॉर रोस्टर चार्ट बनाने का आवंटित कर दिया है। इसका दायित्व निर्धारित करने के लिए प्रभारी मॉनिटरिंग करने और कर्तव्य की अनुपस्थिति रहने वाले डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बारे में रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दे दिया है। वहीं समीक्षा बैठक के दौरान प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि प्रतिनियुक्ति डॉक्टर को हर 3 घंटे पर वार्ड और बेड पर विजिट कर मरीज को समुचित इलाज करने का प्रशिक्षण देना होगा। साथ ही मरीजों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाने का निर्देश भी जारी किया गया है, ताकि कोविड-19 संक्रमितों की जांच सही ढंग से करवाई जा सके। सुशांत सिंह राजपूत मामले में IG ने BMC को लिखा पत्र। सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सामने आने के बाद से इस पूरे मामले में कई बातों का खुलासा हुआ है। जहां मुंबई पुलिस बैठकर फिल्म इंडस्ट्री में भाई भतीजावाद के एंगल को ही सिर्फ तलाश रही थी, वहीं अब बिहार पुलिस ने पहुंचकर कई बातों का खुलासा किया है। हालांकि मुंबई पुलिस लगातार बिहार पुलिस की परेशानी बढ़ाने में लगी हुई है, जिसके बाद बिहार पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच तकरार लगातार जारी है। बिहार के 4 अधिकारी सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मुंबई पहुंचे थे। विनय तिवारी को मुंबई में जबरदस्ती क्वारंटाइन कर दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार पुलिस के IG ने BMC को पत्र लिखकर IPS विनय तिवारी को छोड़ने का आग्रह किया है। अपने लेटर में उन्होंने नियमों का हवाला भी दिया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने IIT दिल्ली से बने इंजीनियर की बताई कहानी। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार ने बीते दिन अपने कॉलम से IIT दिल्ली में पढ़ाई करने वाले अमित की कहानी सुनाई है, जिसके तहत उन्होंने बताया है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाले छोटे परिवार से नाता रखने वाले अमित ने अपनी मेहनत से IIT दिल्ली से पढ़ाई पूरी कर ली है। वहीं सूरत में एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी लग गई है, लेकिन अमित तब भी और ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इंग्लैंड से PhD प्रोग्राम के लिए भी उन्हें ऑफर मिला है। कोविड-19 के बाद वो इंग्लैंड चले जाएंगे। अमित की कहानी बताते हुए उन्होंने बताया कि अखबार में उन्होंने सुपर 30 के बारे में पढ़ा था। सभी खुश थे कि सुपर 30 में सिलेक्शन हो जाने के बाद उन्हें 1 भी रुपया खर्च नहीं करना होगा और एक दिन अमित इंजीनियर बन जाएगा। और ऐसा हुआ भी, अमित सुपर 30 का हिस्सा बन चुका था। अमित ने मेरे पास भी खूब मेहनत की। IIT के परिणाम के दिन भी अमित मेरे पास ही था। जैसे ही रिजल्ट आया, उसने सबसे पहले अपने बड़े भाई को बताया कि उसका सपना पूरा हो गया है। पूसा कृषि विश्वविद्यालय के कई उत्पाद कोविड-19 संक्रमण से बचाव में साबित हो रहे हैं कारगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विद्यालय पूसा ने एक नए प्रकार के गुड़ को विकसित किया है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक है, जिसमें एक अनुसंधान केंद्र की टीम ने तुलसी, गिलोय, अदरक और सहजन के पत्ते के मिश्रण का उपयोग किया है, जिससे इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे तत्वों का समावेश हो गया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और बाहरी संक्रमण को रोकने में रामबाण इलाज है। वैसे भी गुड़ पाचक और फेफड़ों के लिए हितकारी बताया जाता है। यह थकान को भी कम करता है। गिलोय जहां एंटीबॉडी का काम करता है, वहीं सहजन शरीर को कई तरह की बीमारियों का सामना करने का शक्ति प्रदान करता है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह का कहना है कि देश दुनिया के सामने कोविड-19 एक बड़ी परेशानी के रूप में खड़ी है। ऐसे में विलुप्त होता दिखाई दे रहा देसी नुस्खों को अपनाकर विश्वविद्यालय ने अमृत तैयार किया है। बिहार विधानसभा सत्र में महज 45 मिनट में मंजूर किए गए 12 विधेयक। कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए बिहार विधानसभा सत्र को एक ही दिन में निपटाया गया है, जिसके तहत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ज्ञान भवन में एक दिवसीय मॉनसून सत्र में कामकाज बीते दिन निपटा लिया गया है। सदन में एक के बाद एक 12 विधेयक पर सहमति बना ली गई है। साथ ही 45 मिनट के अंदर 12 विधेयक को पास कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बिहार में माल और सेवा कर विधेयक 2020 को सदन में पेश किया। इसके साथ ही शिक्षा की परियोजनाओं के लिए राशि भी मंजूर कर दी गई है, जिसके तहत उच्च माध्यमिक विद्यालय में 4000 से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए 133.73 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई है। वहीं गैर सरकारी विद्यालयों की सहायता के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। विश्वविद्यालय में वेतन और पेंशन के लिए 287.73 करोड़ की राशि दी गई, वहीं गैर सरकारी सहायता के लिए भी मंजूरी दे दी गई है। इसके साथ ही अन्य कई मुद्दों पर 45 मिनट के अंदर सहमति बनाई गई है।
डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सुशांत सिंह राजपूत के खाते में 5 साल के अंदर 68 करोड़ निकाले जाने का किया दावा। सुशांत सिंह राजपूत के खाते को लेकर कई बातों का खुलासा हो रहा है। वहीं बिहार पुलिस के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा है कि साक्ष्य साझा करने के बजाय मुंबई पुलिस हमारे पुलिसकर्मियों के साथ बुरा बर्ताव कर रही है। उन्होंने बताया कि बीते 1 साल में सुशांत सिंह राजपूत के खाते में 17 करोड़ आए थे, जिसमें से 15 करोड़ और निकाले गए हैं। इससे पहले 4 साल में सुशांत के खाते में 55 करोड़ आए हैं, इतना ही नहीं उसमें से 53 करोड़ खर्च हो चुके हैं। सुशांत ने ना तो कोई संपत्ति खरीदी है, ना कोई मकान बना है, ना जमीन खरीदी है। उनकी बहनों की शादी भी हो चुकी है, सिर्फ पिता है। ऐसे में इन पैसों का क्या हुआ, यह सवाल उठना लाजमी है। इतना ही नहीं, यह जांच का विषय भी बताया जा रहा है, क्योंकि पिता ने पटना में मामला दर्ज कराया है, इसलिए हम इसकी जांच कर रहे हैं। मुंबई पुलिस क्या सिर्फ एक ही मुद्दे को लेकर बैठी है? बिहार पुलिस शांत नहीं बैठेगी। सचिन को टीम में शामिल करना चाहते हैं रोहित शर्मा। भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज रोहित शर्मा सचिन तेंदुलकर को अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने फैंस के साथ सवाल जवाब सेक्शन के दौरान इस बात का खुलासा किया है। मिली जानकारी के अनुसार सवाल जवाब सेशन के दौरान एक फैन ने जब पूछा कि वो सचिन तेंदुलकर और शॉन पोलॉक को फिर से टीम में शामिल करना चाहते हैं या नहीं, इस पर रोहित शर्मा ने कहा कि वो एक नहीं दो रिटायर्ड खिलाड़ियों को टीम में वापस देखना चाहते हैं, पहला सचिन तेंदुलकर, दूसरा शॉन पोलॉक। रोहित के इस जवाब पर मुंबई इंडियंस ने इन दोनों दिग्गजों से पूछा कि वापसी को लेकर उनका क्या इरादा है। इस पर सचिन तेंदुलकर ने अपने जवाब में सभी का दिल जीत लिया है। सचिन ने लिखा कि रोहित तुम्हारे साथ ओपनिंग करने में मजा आएगा। वहीं शॉन पोलॉक ने कहा है कि यदि अभी भी संभव है तो वो नेट और वर्कआउट के लिए आने को तैयार है। देवेंद्र फडणवीस और अमृता फडणवीस ने बिहार पुलिस को अपना काम करने की दी नसीहत। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस को पहुंचाई जा रही परेशानी के लिए महाराष्ट्र सरकार की निंदा की है। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने सोमवार को कहा कि यह वाकई बहुत अजीब है, बिहार पुलिस को उनके कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं देकर महाराष्ट्र सरकार क्यों अनावश्यक संदेह के घेरे में आ रही है। सुशांत के रहस्य को सुलझाने के बजाय इस तरह के व्यवहार से जांच के बारे में लोगों की भारी नाराजगी और अविश्वास पैदा होगा। उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ने भी ट्वीट कर कहा है कि जिस तरीके से सुशांत के जाने के मामले को हैंडल किया जा रहा है, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि मैंने इंसानियत खो दी है और अभी हम मासूम स्वाभिमानी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं है। मैं बस मुंबई पुलिस को यही कहना चाहूंगी कि बिहार पुलिस को उनका काम करने दे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। मुंबई पुलिस की तरफ से बिहार पुलिस के साथ किए जा रहे बर्ताव के पीछे का मुख्य कारण आपके अनुसार क्या हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।